हेलो दोस्तों, कैसे हम सब? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं आपका सिद्धार्थ दत्ता आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में। अगर आप भी शुगर या उससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिलेगा आपको। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी को का इलाज जानने से पहले या उसे ठीक करने से पहले जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हो गई है, या एक्सेस में आप लोग मीठा खाते हैं इस वजह से हो जाती है, या कोई ऐसी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, ऐसी कोई बीमारी लगी थी। दोस्तों, वो सबसे मेन कारण जो है वो हमारे अपने ऊपर है। अगर हम उसे जान लें तो शुगर को हम टाइमली क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम खाते हैं हर चीज में शुगर है, जिसको इंग्लिश में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूटोज कई सारे नाम से बुलाया जाता है, और वो एक चीज ऐसी है जो हमें इंस्टेंट एकदम से हमारे बॉडी के अंदर वर्क करती है और हमें एनर्जी देती है। लेकिन हम जो कुछ भी खाएं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, लिवर उसको प्रोसेस करके पचाता है, पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो उसको बाहर निकाल देता है, और वो जो रस है जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रूटोज या सुक्रोज जो भी है उसको हमारे ब्लड में सप्लाई करता है। दोस्तों, ब्लड में क्या है, हमारे ब्लड में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको इंग्लिश में हम लोग ब्लड सेल्स बोलते हैं। वो शुगर जो है या ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूटोज जो है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जाके इंसुलिन के साथ जाके अंदर वर्क करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो हमारी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि कोशिकाएं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो वो हमें एनर्जी देने की बजाय बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वो हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहता है, तो हम कभी भी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है। तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे इंसुलिन की। जो हमारी बॉडी में एक छोटा सा पार्ट होता है पेट में, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज ही इंसुलिन बनाता है। अगर वो इंसुलिन जो वो बना रहा है और वो शुगर के साथ हमारे बॉडी ब्लड सेल्स में जा रही है और अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्लड सेल, फिर तो हमें एनर्जी देगा। लेकिन अगर इंसुलिन थोड़ी भी वीक है तो वो ब्लड सेल्स जो हमारे हैं वो इंसुलिन को और शुगर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या है, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। बॉडी में सर्कुलेट होगा तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको शुगर आएगी, और उसका सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि जब भी किसी भी बंदे को शुगर निकलती है तो साथ के साथ उसको पहले ये देखना चाहिए, अपने हार्ट का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराए, वो देखना चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है उसी की वजह से इंसुलिन वीक हो जाती है। और कई ऐसे भी केस देखे गए हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल बनती ही नहीं है, तो उसको भी वो भी एक कोलेस्ट्रॉल के लेवल से ही आता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है और जरूरत से ज्यादा बढ़ा है तो भी हमें इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों, कई लाखों में से कुछ ऐसे भी हैं, 8-10 होंगे या 20 होंगे, जिनको पेंक्रियाज ही वीक हो गए हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। उनका तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनके पेंक्रियाज काम कर रहे हैं या जो इंसुलिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आप देखें कि जिनके पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट होना ना के बराबर है। तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। वो लोग इंजेक्शन से तीनों टाइम इंसुलिन लेते हैं और अलग अलग मेडिसिन खाते हैं, 24 घंटे अपने पास मशीन रखनी पड़ती है, कहीं भी शुगर डाउन हो जाए या बढ़ जाए तो बहुत सारी किडनियों पे इफेक्ट होता है, आंखों पे इफेक्ट होता है, हमारी पूरी बॉडी को हिला के रख देता है।
लिवर पे इफेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, क्योंकि अगर आप ऐसे आप मेडिसिन खाते रहिए, एलोपैथी में ये नहीं मेडिसिन आती है, एलोपैथी भी आती है, होम्योपैथी भी आती है, आयुर्वेदिक भी आती है, सब बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं घटाएंगे तो शुगर लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। आप डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो देखेंगे गोली की और डोज बढ़ा देंगे, एक टाइम ऐसा आता है कि गोलियां काम नहीं करती, फिर इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस चीज पे काम करें तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले शुगर की मेडिसिन अगर आप एक टाइम नहीं भी खा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं तो कोशिश करो आपको मेडिसिन ना खानी पड़े। आप उन चीजों पे ज्यादा गौर करो जिन चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और एक हार्ट के पेशेंट को जो खान पान जो डाइट लेनी चाहिए ऐसे ही शुगर वाले को भी लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज ध्यान करेंगे तो दोस्तों शुगर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो शुगर हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे उसके अंडर आ जाएगा, ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे फेल हो जाएंगे। तो शुगर अगर आप चाहते हैं सब कुछ खाना, आप मिल से बनी हुई जो शुगर है ये ना खाएं, आप देसी खांड यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिट में। वो भी उनको बोल रहा हूं मैं जिनको शुगर अभी कुछ ही टाइम से निकली है। ये नहीं कि आपका शुगर लेवल बहुत हाई है और कई सालों से आप मेडिसिन खा रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं इंसुलिन के, वो लोग ना लें। शक्कर खा सकते हैं आप, गुड़ खा सकते हैं, कोशिश करें। आजकल मार्केट में हम लोग जाते हैं तो मेन चीज ये देखते हैं साफ कलर का गुड़, ये देखो वाइट है बहुत अच्छा है, या शक्कर जो होती है शक्कर भी ये देखो लाइट कलर में है, वाइट है बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी दोस्तों तब होती है जब उसको सरफ उसके अंदर जो कास्टिक डला होता है वो डालते हैं। बिना केमिकल की आप गुड़ या शक्कर यूज कर सकते हैं, वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगी। फ्रूट में कोई थोड़े बहुत चीजें आप एक कोई फ्रूट डेली का ले सकते हैं, हो सके तो नीम की कोंपले जो होती है बहुत छोटी छोटी, नीम के पत्ते 5 पत्ते नीम के, और सदाबहार का पौधा वो तो हर जगह होता है, उसके 5 पत्ते अगर आप चबाएं, साथ में 5 पत्ते तुलसी के चबाएं, तो आपको शुगर लेवल में बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, नीम के पत्ते मंगा लें। नीम के पत्ते एक इतना बड़ा अगर आप डंडी तोड़ लाते हैं उसके साथ जितने पत्ते होंगे और आगे की जो पतली पतली डंडियां होंगी उनके समेत आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें या सिलबट्टे पे कर लें, और आधा किलो या 1 किलो करेला ले लें, 1 किलो करेला ले लें, उसको भी बारीक बारीक काट के उसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लें। वो जो आपका मिश्रण बनेगा दोनों का मिक्स होके, उसको आप एक टब ले लें, छोटा टब लेके उसके अंदर डाल के, लेकिन दोस्तों पहले अपने पैर अच्छे से धो लें, बिल्कुल साफ कर लें अपने पैरों को। आप उसके अंदर खड़े होके 10 मिनट अपने पैर चलाएं, 10 मिनट आप अपने पैर चलाएं, 10 से 15 मिनट भी, जब आपको ऐसा फील हो कि मेरे जबान तक मेरे मुंह तक उसकी कड़वाहट आ गई है, तो आप उसमें से बाहर निकल आए अपने पैरों को, 5 मिनट नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप पैर धो सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से नहीं गुनगुने पानी से। और पैर धोने के बाद वो जो आपका लिक्विड है जिसमें आपने पैर चलाए हैं 15 मिनट खड़े होके, वो लिक्विड आप किसी कांच के बर्तन में भर के रख भी सकते हैं फ्रिज में, उसको आप 3 या 4 दिन यूज कर सकते हैं एक बार के घोल को। तो दोस्तों अगर ये कर सकें आप तो आपको कम से कम 3 महीने ये भी करें, इसका रिजल्ट आपको 15-20 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा। और सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, क्योंकि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके पैनक्रियाज वीक हो जाते हैं, इंसुलिन वीक हो जाती है, प्रॉपर कंडीशन में नहीं आ पाती, और जल्दी से जल्दी अपने आप को कोशिश करके क्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको डायरेक्ट इंजेक्शन तक इंसुलिन तक ले जा सकती है। तो दोस्तों अच्छा खाएं, अच्छी सोच रखें, और वीडियो को आगे भी लोगों को शेयर करें, किसी और को अगर इससे बेनिफिट होगा तो उसमें
आपको भी दुआई लगेगी। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका नंबर मेंशन किया है अपना, आपको कोई भी बात किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना हो या कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का टाइम सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज शाम को 8 बजे के बाद कॉल ना करो, और जितना हो सके हेल्दी लाइफ जियो, हेल्दी चीजें खाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।